वही सारी है सभी को। ओके ओके राहुल जी, थैंक यू। चलिए जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का काव्य प्रोग्राम। हाय, मैं आरती जायसवाल फ्रॉम सीहोर से, और मैं कविताएं लिखती हूँ, स्टोरी लिखती हूँ, मोटिवेशनल थॉट्स लिखती हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी लिखती हूँ और मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी बहुत कुछ लिखती हूँ। और मैं कवि राम भगत नेगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है काव्य पाठ करने का। चलिए 15 तो आए कम से कम। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए। और देखिए कमेंट अच्छे करिएगा, है ना, क्योंकि हमें गर्ल्स को ऐसे कमेंट करना चाहिए, गर्ल्स के लिए ऐसा बोलना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ पाए। तो आप प्लीज़ सब लोग कमेंट अच्छे करिएगा, ऐसा मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ। चलिए आज मैंने पोएम लिखी है बेटियों के मन की बात। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, लाइट थोड़ी सी यहाँ पर कम है, इस वजह से आपको शायद क्लियर विज़न नहीं आ रहा होगा उतना क्लियर जितना आना चाहिए। ठीक है, आज हम बेटियों के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसमें मतलब हर लड़की के मन की बात, हर बेटी के मन की बात लिखी होती है, लिखी है मैंने, कि उस वो क्या सोचती है जब उसको परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी कहते हैं तो उसको कैसा फील होता है, कैसा लगता है, और लोग बोलते हैं तो मतलब थोड़ा सा उनकी भावनाओं को हम समझ पाए, इस विषय पर मैंने लिखा है। और मैं 1 मिनट, राणा द वाइपर, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आप आगे हमेशा इसी तरह बढ़ते रहे, हम सभी आपके साथ हैं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू राणा जी, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलिए आज हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है इसलिए मैं बैठकर काव्य पाठ नहीं कर पा रही हूँ, और अगर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत तो प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। टॉपिक है बेटियों के मन की बात। हाँ मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, हाँ मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ, मत काटो मेरे परों को, मैं भी खुले पंखों से उड़ना चाहती हूँ। फिर से कहूँगी, हाँ मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ, मत काटो मेरे परों को, मैं भी खुले पंखों से उड़ना चाहती हूँ। हर लड़की की, हर बेटी की यही ख्वाहिश होती है कि वो बहुत आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो उतना आगे नहीं बढ़ पाती। शायद बढ़ भी पाती होगी तो थोड़ा बढ़ पाती होगी, लेकिन पूरे तरीके से जितना वो चाहती है वैसा वो नहीं कर पाती। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ। कभी घर वालों ने तो कभी पड़ोसी ने टोका है, तुम लड़की हो ऐसा मत करो वैसा मत करो, यह कहकर रोका है। तुम सबने जाने मेरी कितनी ही ख्वाहिशों का कत्ल किया है, यदि अपराध है लड़की होना तो फिर मुझे जन्म क्यों दिया है। आप सबको वॉइस अच्छी आ रही है? कभी बहन का फर्ज अदा किया है तो कभी बेटी का, खुद के लिए कोई फर्ज है शायद ही ये मैंने कभी सोचा है, घर वालों के लिए ना जाने कितना त्याग किया है। रिश्तेदारों ने भी कम नहीं आका है, क्यों पढ़ाना बेटियों को,
घर का चूल्हा चौका करना है, यही तो उनका कहना है। आसान नहीं बेटी होना, पल पल ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। आसान नहीं बेटी होना, पल पल ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। खुद के लिए भी कोई ज़िंदगी है, ये बहुत सोचना पड़ता है। देखिए, मेरी छोटी सी पोएम थी और इसलिए मैंने बहुत थोड़ा लिखा है और डबल से तो रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए है। और हमें मतलब मेरा मैसेज ये है कि मतलब गर्ल्स को, एक वुमन को, वैसे तो वो खुद ही मतलब बहुत स्ट्रांग होती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हमें कहीं भी मतलब उनके लिए हमें थिंकिंग अच्छी रखनी चाहिए। और हमेशा जब भी कभी किसी के लिए कमेंट करें तो बहुत अच्छा करें, किसी भी लड़की के लिए आप कुछ बोलें तो अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। और कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उनको सम्मान दें, क्योंकि लड़की होना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़िम्मेदारी होती है, और विशेषकर शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रीम्स उनको छोड़ने पड़ते हैं और अपने अपने परिवार के लिए ही मतलब वो सरेंडर हो जाती है एक तरीके से। और उनको कहा भी ऐसा जाता है, उनको बहुत कम फैमिली होती है जो मतलब ये एक्सपेक्ट करती है कि हाँ हमारी मतलब हमारी बेटी आगे बढ़े, वरना ज़्यादातर तो यही, आज भी मैंने सुना है ये कहते हो कि आप घर का काम करो, ये करो। राणा द वाइपर ऑल इक्वल ऑन दिस अर्थ, हाँ इक्वल तो सभी है, भगवान की नज़रों में सब इक्वल है, लेकिन बाकी एक दृष्टि से देखा जाए तो इक्वल होते हुए भी आज के समय में कहीं कहीं ऐसा देखा गया है। और बस मेरा यही संदेश था कि गर्ल्स के लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा लिखें। हमें ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही गर्ल्स को आगे बढ़ा सकती है, बॉयज़ भी, आप लोग भी अच्छा ही लिखें उनके लिए, अच्छा ही उनसे व्यवहार करें, क्योंकि बहुत बहुत कठिनाई से उनका जीवन बीतता है, इतना आसान नहीं होता। हम न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि मतलब गर्ल्स के लिए बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी होती है, हम पढ़ते हैं अखबारों में कि उनकी बेटी भाग गई है, उनकी चाची भाग गई है, ऐसा ऐसी चीज़ें। लेकिन कहीं कहीं कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सीधी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छी फैमिली से होती है, तो हमें मतलब सब एक जैसी नहीं होती है, तो हमें उनके लिए विशेषकर बहुत रिस्पेक्ट रखनी है। और बस मैं यहीं पे अपनी वार्तालाप समाप्त करना चाहूँगी, और आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, आप सबका सपोर्ट मिलता रहे, यही एक्सपेक्ट मैं करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी कभी भी मौका मिले तो कुछ अच्छा वर्क करिए, सोशल वर्क करिए, या कुछ अच्छा नहीं कर सके तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने से लोग बोर होने लगते हैं। तो इसलिए मेरा मैसेज था कि लड़कियों की ज़िंदगी मतलब बिल्कुल आसान नहीं होती, जो बिल्कुल अच्छे घर से होती हैं, अच्छे परिवार से होती हैं, वो बहुत सारा त्याग भी करती है। मैंने खुद भी किया है, और हालांकि मेरी फैमिली मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन कहीं अकेले बाहर आ जा नहीं सकते। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहाँ मैं अकेले नहीं जा सकती, पापा की तबीयत के कारण पापा भी नहीं लेकर जा सकते। तो बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं, मतलब देखने भी नहीं जा सकते क्योंकि दूर दूर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं कर सकते हम लोग। और वैसे कहा जाता है लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी आती है कि मजबूरी हो जाती है फिर। तो इसलिए आप सब गर्ल्स को एक अच्छी भावना से समझें, अच्छी नज़र से देखें, और उनके लिए हमेशा सम्मान का भाव रखें, क्योंकि आप अपने आप को उनकी जगह पर एक बार रख कर देखिए उनका जीवन मतलब कितना हार्डली